टेरिडो फाइटा। आज आप लोग को ये ध्यान दो, टेरिडो फाइटा के बारे में पढ़ना है। टेरिडो फाइटा, टेरिडो फाइटा क्या है जी? पौधा का एक क्या है, साम्राज्य है। पौधा का क्या है, साम्राज्य है। कह रहा है टेरिडो फाइटा में कैसे पौधे आएंगे, यानी किस पौधों का समूह को रखा गया है। तो कह रहा है टेरिडो फाइटा में वैसे पौधे आते हैं बाबू, कह रहा है बीजहीन पौधों का समूह है टेरिडो फाइटा। किस कैसा समूह है, बीजहीन। ध्यान इधर, कह रहा है टेरिडो फाइटा बीजहीन पौधों का क्या है, समूह है। बीजहीन माने ऐसे पौधे जिसके में बीज नहीं पाया जाता है, जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। डायरेक्ट कभी भी पूछे कि टेरिडो फाइटा कैसे पौधों का समूह है, तो बीजहीन पौधों का समूह है। कैसे पौधों का, बीजहीन। कह रहा है इसमें कौन पौधे आएंगे बाबू, शैवाल आएगा, कवक आएगा, शैवाल और कवक। कह रहा है इसके साथ साथ कह रहा है ब्रायोफाइटा की जो अपेक्षा होता है ना, ब्रायोफाइटा में जो पौधे आते हैं उन पौधों से ज्यादा विकसित कौन होता है, टेरिडो फाइटा। कौन होता है जी, टेरिडो फाइटा का। रे लड़का इधर ध्यान दो, कह रहा है टेरिडो फाइटा में पाए जाने वाले जो भी पौधे होंगे, जो भी पौधों का ग्रुप होगा, उनका ग्रुप में बीजहीन होंगे एक नंबर। दूसरा कह रहा है इसमें शैवाल, कवक और ब्रायोफाइटा से विकसित क्या होंगे, जीव पाए जाएंगे टेरिडो फाइटा में। कह रहा है यह पौधे, कह रहा है कि इसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो इसकी विशेषता क्या है जी टेरिडो का, तो कह रहा है कि अब कैसा होगा, कह रहा है यह पौधा कैसा होगा। कैसे मतलब, जैसे हम लोग किसी पौधा को देखेंगे तो कैसे जान लेंगे कि यह पौधा है, कुछ खूबी होनी चाहिए ना, कुछ उसकी बनावट होनी चाहिए कि कैसा बनावट होगा टेरिडो फाइटा का। तो देखिए बाबू, कह रहा है यह छायादार होती है। कैसी होती है, छायादार होगी, नम स्थानों पे होगी, या ऊंचे पर्वतीय स्थानों पे पाई जाती है, या वर्षा वन स्थानों पे पाई जाती है, या जहाँ की भूमि क्या हो जी, नम हो, आद्र हो, जहाँ की भूमि में नमी पाई जाती है उस क्षेत्रों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, टेरिडो फाइटा पौधे पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बार और, कोरा कैसा पौधा होगा बाबू, तो कोरा यह छायादार पौधा होगा। कैसा होगा, छायादार पौधा, नम स्थानों में उगेगा, कह रहा है ऊंचे पर्वतों के स्थानों पे उगता है, वर्षा क्षेत्र, वर्षा जहाँ होती है उन स्थानों में, साथ ही जहाँ नमी बनी रहती है उन स्थानों में, उन क्षेत्रों में भी क्या होता है बाबू, उन क्षेत्रों में भी टेरिडो फाइटा पाया जाता है। कह रहा है इसमें कि और इसकी क्या खूबियां है टेरिडो फाइटा की बाबू, तो कह रहा है इस पौधे की समूह में जो भी पौधे आएंगे ना, उनका शरीर जो होता है वो वास्तविक भागों में बटा होगा, जैसे जड़ भाग में बटा होगा, तना बटा होगा और पत्ती भाग में बटा होगा। टेरिडो फाइटा में के समूह में जो भी पौधे आएंगे, टेरिडो फाइटा के समूह में जो भी पौधे आएंगे वे पौधे, कह रहा है कि समूह जो होगा वह शारीरिक वास्तविक बनावट होगी, जड़ तना पत्तियां वास्तविक रूप में विभाजित होंगे। इनके साथ साथ बाबू, कह रहा है टेरिडो फाइटा पौधों में पूर्ण विकसित संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र, यहाँ बता दें कि संवहन तंत्र अगर हम बात करते हैं संवहन तंत्र की, तो संवहन तंत्र में दो उत्तकें आती हैं। कितनी उत्तकें आती हैं, दो उत्तकें, एक आता है जाइलम और एक होता है फ्लोयम। पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोयम होता है। देखो टेरिडो फाइटा में भी पूर्ण रूप से विकसित संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोयम दोनों क्या होते हैं, पाए जाते हैं।